दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी मन्नू में। दोस्तों बॉलीवुड में सलमान से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्यों, तो भाई सलमान पहले ऐसे स्टार हैं जिनकी कमजोर से कमजोर फिल्म भी 125 करोड़ 150 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती है। अब फिलहाल की बात करें तो सलमान की फिल्म आई थी रेस 3, जिसमें सलमान ने एक गलती कर दी कि अब्बास मस्तान जैसे थ्रिलर फिल्मों के मास्टर को छोड़कर डांस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को मौका दे दिया। और दोस्तों आपको पता है कि फिल्म की पूरी कमांड डायरेक्टर के हाथ में होती है। एक अच्छा डायरेक्टर घिसी पिटी रूटीन स्टोरी लाइन को भी अपने बढ़िया प्रेजेंटेशन से एंटरटेनिंग बना लेता है, और एक खराब डायरेक्टर एक अच्छी स्टोरी लाइन अच्छी स्क्रिप्ट बड़े बजट बड़े स्टार के बावजूद भी फिल्म का डब्बा बना देता है। चलो मान लिया कि फिल्म अच्छी नहीं लगी, लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में फिल्म का जो जमकर मजाक उड़ाया है, जितनी ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी की है उतनी तो आज तक किसी फिल्म के लिए नहीं हुई। तो सवाल पैदा होता है कि क्या रेस 3 से ज्यादा बुरी फिल्म आज तक बॉलीवुड में बनी नहीं, और अगर बनी तो सलमान के लिए मीडिया इतना नेगेटिव क्यों? खैर पिछली गलतियों को पीछे छोड़ते हुए सलमान अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में लग गए हैं। अगली फिल्म का नाम है भारत, जो 2019 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। तो आपको बताते हैं इस फिल्म के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों भारत 2014 में आई कोरियन फिल्म और टू माय फादर से इंस्पायर है। फिल्म में युद्ध के कारण फैमिली से बिछड़ने की कहानी है। इसे एक लड़की की नजर से दिखाया गया था जिसकी फैमिली कोरियन युद्ध के समय बिछड़ गई थी, और वो उनसे मिलने के लिए 1950 से लेकर 2014 तक यानी कि 264 साल तक इंतजार करता है। भारत में इसी लड़के का रोल सलमान खान प्ले कर रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि इस फिल्म में सलमान के कैरेक्टर का लुक 18 साल से 70 साल तक का दिखाया जाएगा, यानी कि फिल्म में 18 साल के सलमान को भी आप देखेंगे और 70 साल के सलमान को भी देखेंगे। फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने बताया कि स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और हम इसमें सलमान के लुक पर काम कर रहे हैं। हम इसमें सलमान को वैसा दिखाना चाहते हैं जैसा कि वो अपने करियर की शुरुआत में और पहली फिल्म मैंने प्यार किया में दिखे थे। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे सलमान को 18 का भी दिखाया जाएगा और 70 साल का भी। तो दोस्तों आपने हॉलीवुड के ब्रैड पिट की एक फिल्म देखी होगी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, जिसमें ब्रैड पिट जब पैदा होता है तो वो बूढ़ा होता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो यंग होता जाता है और लास्ट में वो गोदी लेने लायक छोटा बच्चा बन जाता है। ये फिल्म दोस्तों मास्टरपीस फिल्म थी, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, यूट्यूब पे आपको आराम से मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म में जिस एज रिडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सलमान के लिए किया जाएगा। इसके लिए उसी फिल्म की टीम से बातचीत हो चुकी है। इसी टीम ने शाहरुख का मेकअप फैन फिल्म के लिए किया था। लेकिन दोस्तों सलमान के लुक में एक प्रॉब्लम भी है। सलमान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ज्यादा मेकअप के इस्तेमाल से प्रॉब्लम होती है, उनके चेहरे की नसों में भयानक दर्द होने लगता है, और पिछले काफी समय से सलमान इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब ऐसे में भारत के यंग लुक में दिक्कत आ सकती है। तो डायरेक्टर अली अब्बास जफर का इस बारे में कहना है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उन्हें तकलीफ हो। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हुई है, हम प्रयास करेंगे कि ये चीजें VFX की मदद से ही की जाएं और हैवी मेकअप का कम से कम सहारा लेना पड़े। दोस्तों भारत फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं सलमान खान के ब्रदर इन लॉ अतुल अग्निहोत्री और टी सीरीज। फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग 22 जुलाई से शुरू हो चुकी है, और शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद ही फिल्म के डायरेक्टर ने फोटो रिलीज की है। इस फोटो में सलमान खान बाइक से आके अंगूठी नुमा गोले से होकर बाहर निकल रहे हैं, इसमें उनकी शक्ल नहीं बस पीठ दिख रही है। दोस्तों फिल्म में सलमान एक स्टंट मोटरसाइकिलिस्ट के रोल में दिखेंगे, जबकि दिशा पाटनी का कैरेक्टर सर्कस में काम करने वाली एक आर्टिस्ट का होगा। फिल्म में सलमान और दिशा के अलावा कैटरीना कैफ, तब्बू, डॉक्टर मशहूर गुलाटी यानी कि सुनील ग्रोवर, भाभी जी घर पे हैं वाले विभूति यानी कि आसिफ शेख, शरद सक्सेना और नोरा फतेही भी नजर आएंगे। भारत की शूटिंग पंजाब दिल्ली के अलावा स्पेन और अबू धाबी में भी होनी है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत अलग और शानदार रहने वाली है। सलमान खान इस फिल्म में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं करने वाले, और देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म कितना बड़ा धमाका करेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए क्रेजी मन्नू।